दोस्तों, ये है 2024 मॉडल KTM RC 200 यानी कि 200 है और 200 cc की सबसे ज़बरदस्त और सबसे स्पोर्टी गाड़ी आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। और इस गाड़ी की जो खासियतें हैं, और ये सबसे नया कलर है, एडजस्टेबल मिरर जैसे कि आपके सामने फोल्ड किया भी और आपने देखा, और इसका ग्लास देखो आप, ये आगे का विंडशील्ड देख रहे हो किस टाइप का दिया गया है, एकदम लाजवाब और सबसे ज़बरदस्त गाड़ी दिख रही है भाई। तो अभी तक जो लोग छपरी गाड़ी बोलते थे, छपरी नहीं बोल पाएंगे क्योंकि ये गाड़ी का कलर ही एकदम चेंज हो चुका है और इसका एलॉय जो है, यानी इसका व्हील चक्का जो है, वो पूरा ब्लैक कर दिया है। तो काफ़ी सारे चेंजेस आ चुके हैं इस गाड़ी में, सारी डिटेल्स हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। उससे पहले अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। LED वाले ब्लिंकर कुछ इस अंदाज में यहाँ पर दिए गए हैं, इस साइड से भी ये दिखेगी इस तरह से जलती हुई, काफ़ी बढ़िया ट्रांसपेरेंट ग्लास पर, इसके अंदर KTM भी लिखा रहेगा। और ये LED वाला आपको DRL मिलेगा, इस तरह से देख सकते हैं आप, तो ये LED DRL रहेगा। और यहाँ पर देखेंगे इसके अंदर भी आपको कुछ टेक्सचर डिज़ाइन इस तरह से मिल जाती है, LED वाले इसके अंदर है, लाइट मिल जाते हैं, काफ़ी बढ़िया लाइट मिल जाती है इस तरह से। DRL यहाँ पर रहेगा और इंडिकेटर यहाँ पर है, तो और मिरर कुछ इस तरह से, तो सामने का जो लुक है वो इस तरह से मिलेगा आप। और यहाँ पर नंबर प्लेट लगेगा, पहले वाला से ये बिल्कुल एकदम चेंजेस कर दिया है कंपनी ने, और इस तरह से बाजू से इस तरह से दिखेगी बगल से। और यहाँ पर देखेंगे तो ऑरेंज कलर की आपको ये स्टिकर, और बाकी ये कलर आप देख सकते हैं सबसे नया वाला कलर है भी आप देख सकते हैं। और मजबूती की हम बात करें तो ये एलुमिनियम से, यहाँ पर लिंकी वाले नर से, ये पूरा ये एलुमिनियम ही है, ये पूरा सेटअप यहाँ से नीचे से, और इस पर ही ये टाइट किया गया है और ये टाइट किया गया है, और वाइजर, ये पूरा हेडलाइट का सेटअप ये देखिए आप, और यहाँ पर अंदर से भी आप देख सकते हैं। तो ये चीज़ कहने का मतलब है कि एकदम बढ़िया से मजबूती के साथ इसको बनाया गया है। और उसके बाद सामने से अगर आप देखेंगे तो ये देखिए, इसकी जो एलॉय है इसके अंदर ये कटिंग आ चुकी है, यानी कि ये चेंज हो चुकी है, पहले ऐसा नहीं था, पहले ऐसा भरा हुआ था, अब इसको भी चेंज कर दिया है कंपनी ने। तो सामने से आपको 300 mm का डिस्क ब्रेक, बाइबर का सेटअप दिया गया, और उसके बाद इसमें आपको डुअल चैनल ABS और 43 mm का डायमीटर यहाँ पर मिलेगा, और WPFS के UCD4 के सस्पेंसन। और यहाँ पर टायर जो सामने दिया गया है वो 110x70 का टायर दिया गया है, और 17 इंच की एलॉय आपको मिल जाती है आगे पीछे दोनों 17 इंच की। और इस तरह से मडगार्ड आप देखेंगे तो काफ़ी स्पोर्टी मडगार्ड यहाँ से लेकर यहाँ तक मैट ब्लैक फिनिशिंग के साथ मिल जाता है, काफ़ी बढ़िया मडगार्ड रहेगा, रिफ्लेक्टर भी यहाँ पर आपका मिल जाता है, तो सस्पेंशन काफ़ी अच्छा रहेगा। यहाँ पे आपको RC लिखा मिलेगा वाइट कलर पे, यहाँ पर 200, ये इस तरह से वाइट ग्राफिक्स यहाँ पर रेडी टू रेस, बढ़िया ऑरेंज कलर का इस तरह से ये मिलेगा। अब यहाँ पर देखेंगे तो ये इस शेप में रहेगा, देखिए ये पूरा इस तरह से कटआउट, और एयर पासिंग का देखो जुगाड़, यहाँ पर रेडिएटर, ये आपका लिक्विड कूल इंजन मिल जाता है इस तरह से, और यहाँ पर देखिएगा पूरा फिनिशिंग कुछ इस तरह से रहने वाला है। तो अब यहाँ पर भी आप देख सकते हैं इंजन गार्ड कुछ इस तरह से दिया गया है, मजबूती देखो यहाँ से इसको टाइट किया गया है, ये देखिए एकदम ज़बरदस्त मॉडल का। और रेडिएटर जो है ना, कूलेंट यहाँ पर अंदर दिया गया है, देखिए आप ये पूरा इस तरह से ग्रिल के साथ, ये आपको यामाहा में नहीं मिलेगा, उसमें खुला खुला दिया है, ठीक है। अब किस लिए दिया गया है ये आप कमेंट्स में ज़रूर बता सकते हैं। अब यहाँ पर आप इसका इंजन किल स्विच देखो, सबसे नया चीज़, इसके अंदर लाइट भी चलेगा, ठीक है। और ये रहा इसका सेल्फ स्टार्टर, और इसका जो ग्रिप है वो मुठिया इस तरह से मिलेगी, क्लच लीवर और ब्रेक लीवर, और ये क्लच लीवर इस तरह से, यहाँ पर पासिंग हाई लो बीम टर्न सिग्नल हॉर्न का स्विच यहाँ पर, और इसके अंदर देखो लाइट ये इस तरह से चलेगी, देख रहे हो यहाँ पर भी ये देखिए, और यहाँ पर भी ये इस तरह से, ये आपका रहेगा सेटअप। और यहाँ पर ये इसकी चाबी काफ़ी अच्छी, यहाँ पर कूलेंट पड़ेगा, और यहाँ से एक गियर की गाड़ी है, गियर यहाँ बताएगा, स्पीड यहाँ पर, पेट्रोल यहाँ पर, आपका RPM यहाँ पर, आपकी घड़ी यहाँ पर, इंडिकेटर, ये फाइल लाइट, ABS, न्यूट्रल सब यहाँ पर आपका दिखाएगा सेट, और यहाँ पर मोड का ये बटन आपको मिल जाएगा, देखिए साइड स्टैंड डाउन है तो बता रहा है, लो फ्यूल दिखा रहा है, सब कुछ आपका ये बताएगा। तो ये चीज़ हमें सबसे बढ़िया इस गाड़ी का लगा, ये इस तरह से पूरा देख सकते हैं, रेडी टू रेस सारी चीज़ें आपको इसके सामने कुछ इस तरह से मिल जाती है। अब सबसे खास बात जैसे मैंने आपको बताया, मजबूती इस तरह से एल्युमिनियम पर दी गई है, और आगे भी यहाँ पर जगह है, कपड़ा वगैरह आप चाहे जो चीज़ रख सकते हैं गाड़ी साफ़ करने के लिए। अब उसके बाद यहाँ पर आपका ये रेडिएटर हो गया। अब हम बात करते हैं इस गाड़ी के इंजन की, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ इंजन आपको किस टाइप का मिलता है और कैसा रहने वाला है, ठीक है। देखिए इंजन की अगर हम बात करें तो इस गाड़ी में आपको इंजन मिलता है 199.50 cc, यहाँ पर लिखा है 24.67 bhp का पावर, यानी 24.67 का bhp पावर देने वाला है 10,000 rpm पे। और मैक्सिमम जो टार्क है वो 19.3 Nm का टार्क जनरेट करती है 8,000 rpm पे, यानी कि 90.3 Nm का टॉर्क 8,000 rpm पे जनरेट करेगी। 34 का माइलेज है, 34 km/l का माइलेज, टॉप स्पीड 142 और राइडिंग रेंज 455.6 किलोमीटर, यानी 400-500 किलोमीटर एक बार में आप चला सकते हैं।
और 6 गियर की गाड़ी है, सिंगल सिलेंडर है, DOAC डुअल ओवरहेड कैमशाफ्ट इंजन है और सेल्फ स्टार्ट रहेगी, 6 गियर की गाड़ी है, ठीक है। उसके बाद अब इसका जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो आपको मिलने वाला है 157 mm का ग्राउंड क्लियरेंस रहेगा। और फ्यूल टैंक की बात करें तो यहाँ पर KTM और ये लोहे की टंकी यहाँ पर रहेगा, यहाँ पर फाइबर मिक्स किया गया है, यानी मजबूती ज़्यादा रहेगी। तो 13.4 लीटर का यहाँ पर फ्यूल टैंक कैपेसिटी है, 20 फ्यूल पड़ेगा, 2.7 लीटर का इसके अंदर आपका रिजर्व लगेगा और ये चीज़ काफ़ी अच्छा रहेगा। और उसके बाद अब यहाँ पर आपका इस तरह से फ्यूल टैंक रहने वाला है, नट आप बोल्ट से मजबूती आप इसका दे सकते हैं, ठीक है। और माइलेज आपको बता दिया, ये रहा इसका ब्रेक लीवर, देखो इस अंदाज में ऐसा ही आपका गियर लीवर रहेगा, ये ब्रेक लीवर है, फुटेज इस तरह से रबर के साथ रहेगा, अदर गाड़ियों में रबर नहीं रहेगा। अब ये जो रियर में सस्पेंशन आप देखें, WP FS का ये भी मोनोशॉक सस्पेंशन है, 10 स्टेप एडजस्टेबल, यहाँ से एडजस्ट आप कर सकते हैं। अंडर वेल एग्जॉस्ट यहाँ पर दिया गया, ठीक है, अंडर कवर यहाँ पर देखो, यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा ये अंडर कवर रहेगा। स्विंग आर्म एल्युमिनियम की ही आपको मिल जाती है, चेन एडजस्टर इस तरह से, पीछे 230 mm का डिस्क ब्रेक ABS के साथ वाइपर का ही, टायर पीछे का ज़्यादा चौड़ा है आगे वाले से, आप देख ही रहे हैं यहाँ पर MRF का टायर 150/60 का है, आगे 110/70 का है, तो टायर काफ़ी लंबा चौड़ा। और व्हील आप देख सकते हैं ये भी नई वाली अलॉय इसके अंदर मिल जाती है। और यहाँ पर अंडर कवर, यहाँ पर भी देखिए अंडर कवर दिया है, और इसकी चेसी जो कुछ इस तरह से मिल जाती है, और चेसी जो है वो स्प्लिट ट्रेलिस फ्रेम दिया गया है कि अगर आपकी ये चेसी ख़राब भी होती है तो टूटे, अगर तो मान लीजिए पीछे वाला तो पीछे वाला यहाँ से आप चेंज करवा सकते हैं, आगे वाला तो आगे, ये बहुत अच्छा काम किया गया है इस गाड़ी में। अब इस गाड़ी का जो टोटल वज़न है दोस्तों, वो इस गाड़ी में आपको वज़न मिलने वाला है वो मैं आपको बता दूँ, 160 किलोग्राम की टोटल गाड़ी है ये, और ग्राउंड क्लियरेंस 155 mm का रहने वाला है, और व्हील बेस जो है इस गाड़ी का वो आपका रहेगा 1357 mm, और जो हाइट है दोस्तों वो 1109 mm की मिलने वाली है, सीट हाइट से 822 mm का रहने वाला है, तो काफ़ी ज़्यादा ऊँची नहीं है फिलहाल, एकदम बढ़िया आपको मिलने वाली है। पीछे आप देख सकते हैं इस तरह से आपको मडगार्ड मिल जाएगा, इस तरह से मजबूती दे सकते हैं, यहाँ पर रेडी टू रेस रहेगा, यहाँ पर आपका ऑरेंज कलर का इस तरह से ग्राफिक्स मिल जाते हैं। टेल लाइट अभी आपको जला के दिखाते हैं, सबसे पहले आप यहाँ से देख लीजिए, इसका शेप कुछ इस तरह से रहेगा, और ग्रेवेल काफ़ी बढ़िया R15 में ये आपको नहीं मिलेगा, आप चाहें तो R15 और वर्जन 4 से इसको आप कंपेयर कर सकते हैं, RC200 वे R15, और यहाँ से देख सकते हैं इसका बढ़िया चेन कवर, देखो आप कितना बढ़िया लंबा चौड़ा चेन कवर, कवर के साथ या फुटरेस इस तरह से, ये देखिए सेम टू सेम गियर और क्लच ब्रेक लीवर दोनों रहेगा। सारी स्टैंड कट ऑफ इंजन का फीचर सेंसर यहाँ पर लगा है, स्विंग आर्म इस तरह से, चेन स्पोकेट काफ़ी लंबी चौड़ी, सारी गार्ड एकदम बढ़िया, यहाँ पर इस तरह से इंजन जैसे कुछ इस तरह से आप देख सकते हैं, रेडिएटर पर फैन यहाँ पर, इस साइड से पूरी गाड़ी, ये देखिए आप पूरी गाड़ी, तो गाड़ी भाई कोई दिक्कत नहीं, एक नंबर की गाड़ी मिलने वाली है। आप पीछे से आप इसका टेल लाइट देख लीजिए, इस तरह से जलती हुई दिखेगी, साइड से इस तरह से दिखेगी, और इतनी बढ़िया लंबी यहाँ पर सेटअप पूरा दिया गया है, नंबर प्लेट का इंडिकेटर कुछ इस तरह से यहाँ पर आपका मिल जाता है, नंबर प्लेट रिफ्लेक्टर, ये इस तरह से पूरा पीछे से गाड़ी दिखेगी। तो अब आपको बताना है कि गाड़ी कैसी लगी आपको, क्योंकि हमारे ख्याल से देखो सबसे पहले यहाँ पर ये लोहा है, पूरा लोहा गाड़ी है, और ये फाइबर गाड़ी है, ये देखो ये फाइबर रहेगा, और उसके बाद ये भी सब पूरा यहाँ पर टोटल फाइबर है, सारी खाली यहाँ पे लोहा आपको मिलेगा यहाँ पर, ठीक है। वो भी देखो इसका कलर निकल गया, R15 की यमहा की क्वालिटी ये है, और इसमें टोटल ये लोहा इस तरह से दिया गया है, मजबूती ये गाड़ी आपको ज़्यादा देगी, सबसे पहले आप समझ लीजिए मजबूती में ये गाड़ी ज़्यादा बढ़िया है। ऑन रोड कीमत है 2,45,000, कम से कम डाउन पेमेंट है 35,000 से 40,000, इतना भर के आप इस गाड़ी को ले सकते हैं। बाकी वीडियो पसंद आए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर।